हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर शिवानी। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर आई हूं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इन वेफल्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इस बोल में हम ऐड करेंगे 1/3 कप दूध की मलाई और इसी मलाई में हम यहाँ पर 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून यहाँ पर ऐड करेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट। बाकी सारी चीज़ें स्टेन करके ऐड करेंगे और 1 कप मैंने यहाँ पर प्लेन फ्लावर लिया है। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर। 1/3 कप के करीब हम यहाँ पर मिल्क ऐड करेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा वेफल्स का बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं वेफल मोल्ड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसे हम इसे आसानी से फिल कर लेंगे। हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपको इसे कैसे प्रीहीट करना है। और ये ओवन हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है और इस वेफल्स को बेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करेंगे और साथ ही टाइम लगाएंगे हम 10 मिनट्स का। तो आप देख सकते हैं हमारे वेफल्स बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अनमोल्ड करेंगे और लोअर साइड अच्छे से क्रिस्प नहीं हुआ है और इसका जो लोअर साइड है इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर से ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिनट का टाइम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन ब्राउन। पाउडर शुगर डस्ट करेंगे और साथ ही इसे गार्निश करेंगे चॉकलेट सिरप के साथ, कलर्ड वाले जो कोकोनट आते हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रख लेंगे। तो कुछ इस तरह आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।